सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल बैठे धरने पर दी विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी। झांसी जनपद के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के समस्त लेखपाल मंगलवार को मऊरानीपुर तहसील परिसर में धरने पर बैठे और आठ सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। मंगलवार को झांसी मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के समस्त लेखपाल अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे तथा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को आठ सूत्रीय मांग पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि लेखपाल को मांगों को लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा चौथे चरण में लेखपाल आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी समय में विधानसभा का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आपका ओम प्रकाश नरंजन, जिला अध्यक्ष झांसी। किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, कितने दिन से बैठे हो? प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आठ सूत्रीय मांगों के बारे में आज आंदोलन के चौथे चरण में 26/11/2019 को 10 से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। तत्पश्चात कैंडल मार्च शाम को 5 बजे निकाला जाएगा। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम 5 दिसंबर को विधानसभा का घेरा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी लेखपाल लखनऊ विधानसभा का घेराव करेंगे। यदि इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो प्रदेश नेतृत्व के आधार पर जो भी कार्यक्रम आगे होगा उसमें हमारे सभी लेखपाल सहभागिता करेंगे। मैं आपका लेखपाल। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो? मांगे आठ सूत्रीय मांगे चल रही है, जो भी जिला अध्यक्ष महोदय झांसी ने बताया है, उन्हीं के क्रम में हम यहाँ बैठे हैं, उनके साथ रहेंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करोगे? हमारी जो रणनीति के तहत हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम 6 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।